हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मैं काफ़ी लेट आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग है होली का। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग में मामा की तरफ से आए थे कुंज के लिए गिफ्ट। हाँ, कुंज कौन है तो मुझे बेबी बॉय हुआ है और 1.25 महीने का हो चुका है, तो उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट आए थे, जैसे कपड़े, बताशे का हार और कुछ पैसे, खजूर और नारियल, ऐसे सब दिए जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ऐसा सब आता है मामा की तरफ से। इसे कुछ हारडा ऐसा कुछ बोलते हैं, जो मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, बोलने नहीं जम रहा है, बट ऐसे ही कुछ की बोले जाता है। तो देखिए, ये सारे कपड़े आए थे तो मैंने शाम को, अभी मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ, तो उसको मैंने तैयार कर लिया और उसे फुल नींद आ रही थी। तो ये है हमारा कुंजू बेबी, तो देखिए तैयार हो चुका है। और ये हमारे देवरानी के भाई है, हमारे भाई बाहर गाँव थे तो हमारे देवरानी के भाई आए थे करने के लिए। और ये वो इतने मतलब बच्चों को ले के क्यूट लग रहे थे ना, मतलब बहुत डर भी रहे थे कि छोटा है मैं कैसे करूं, बट इतने परफेक्ट तरीके से उन्होंने किया ना, ज़रा भी बच्चा रोया, मतलब कुंज रोया ही नहीं। उसे तो पता भी नहीं चला कि मैंने वो होली का के दर्शन इस तरह से किए। तो मयूर, जानवी, मेरी ननन और ये देखिए मामा, कुंजू के मामा, तो वो भी साथ में इस तरह से फेरा, मतलब घुमा जाता है, आटा बोलते क्या बोलते हैं इसको, परिक्रमा की जाती है होलिका की, तो इस तरह से हो रहा है। और उसके बाद मैं भी करूँगी, तो पहले इन सारे ही जानवी और सब ने दर्शन कर लिए, बाद में मयूर यहाँ पर बता रहे थे कि इतने टाइम पर परिक्रमा करनी है। तो यहाँ पर देखिए, उनकी परिक्रमा होने के बाद मैं अब पूजा कर रही हूँ फटाफट। और इस बारी पता नहीं मुझसे है ना, थोड़ी भी मतलब जो होलिका की अग्नि होती है ना, वो ज़रा भी सहन नहीं हो रही थी। पता नहीं स्किन सेंसिटिव हो गई है या और कोई दिक्कत है, बट मैं 2 मिनट भी सहन नहीं कर पा रही थी। पूरा हाथ, मैंने फुल कपड़े पहने थे बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि हाथ मानो जल रहा है। और मैं बार बार वो कर रही थी और माचिस भी मुझसे चालू नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था एक साथ में। तो यहाँ पर फिर मैंने मयूर को बुलाया और मैंने बोला कि आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। और यहाँ ग्रीन साड़ी में आप जो देख रहे हैं ना, वो हमारे देवरानी की मम्मी हैं, तो यहाँ कुंज को लेकर खड़े थे। और देखिए, बस उसके बाद मैं करने लगी मेरी परिक्रमा। तो जानवी ने है ना आधी परिक्रमा करी थी उनके पापा के साथ और थोड़ी परिक्रमा मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए, खड़े होकर भगवान को मैंने उससे कहा था कि भगवान से कहना अपने मन की बात, तो बस वही वो खड़े होकर क्या क्या बातें कर रही थी, अब वो ही जाने उनकी मन की बात। तो उसके बाद मैंने भी अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और बहुत ही ये मैं अब स्पीड में आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर धीरे धीरे बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैंने भी परिक्रमा की। और आप सभी की कैसी रही होली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और बिलेटेड हैप्पी होली, कुंज की पहली होली, और इस तरह से हमने सारी ही होली मनाई। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।